देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नजर डालते हैं नॉनस्टॉप खबरों पर। महाराष्ट्र और केरल में पीएम मोदी आज एक रैली को करेंगे संबोधित। रैली के बाद पीएम मदुरई में विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेने आज अमित शाह वाराणसी जाएंगे। गुजरात में आज राजनाथ सिंह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। इसी के साथ राजनाथ सिंह यहां कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसेंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में अपनी 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उनके बयानों पर नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों ही नेताओं के बयानों के सांप्रदायिक होने का आरोप है और इस पर आयोग ने संज्ञान लिया। बता दें कि मायावती ने मुसलमानों से एसपी बीएसपी गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की थी और कहा था कि अगर वे कांग्रेस को वोट देंगे तो इससे उनका वोट बढ़ जाएगा। मायावती ने कहा था, मैं एक खुली अपील करना चाहती हूं, बीजेपी से कांग्रेस नहीं बल्कि गठबंधन लड़ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन की जीत ना हो। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रही है। मेरठ में चुनाव प्रचार के दौरान 9 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए भाषण पर आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव प्रचार के दौरान आदित्यनाथ ने कहा था कि एसपी बीएसपी को अली में यकीन है, हमें भी यकीन बजरंगबली में है। नमो टीवी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग का कहना है कि नमो टीवी पर बिना अनुमति के पोस्ट की जा रही है, सामग्री को तुरंत हटाना होगा। अब चुनाव आयोग ने नमो टीवी पर कार्रवाई करते हुए यहां मौजूद सभी कॉन्टैक्ट को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा है। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि कमेटी की मंजूरी के बिना नमो टीवी पर कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट ना किया जाए। आयोग का कहना है कि अभी तक जो भी कंटेंट नमो टीवी या कंटेंट टीवी पर पोस्ट किया गया है उसे भी हटाया जाएगा। पहले चरण का मतदान खत्म। 20 राज्यों की 91 सीटों पर हुआ मतदान। 1269 मतदाताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। पहले चरण में 10 राज्यों की सभी सीटों पर गुरुवार को मतदान पूरा हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 60% और बिहार की 4 सीटों पर 53% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 81% से ज्यादा मतदान। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटें शामिल हैं। कुल 1289 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 7,21,00,000 पुरुष मतदाता, 6,98,00,000 महिला मतदाता हैं। इनके लिए करीब 2,00,000 मतदान केंद्र बनाए गए। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी पर लोगों का हौसला भारी पड़ा। बिना किसी डर के लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और मतदान किया। बता दें कि सीमा पार से लगभग हर रोज की जाने वाली गोलीबारी की परवाह किए बिना सीमा से सटे जम्मू के मढ़ इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से निकले और मतदान किया।
जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नागरिकों ने अपने परिवार वालों के साथ आकर बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान आए हुए वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि जो भी सरकार बनेगी वह कम से कम हंगामा करने वालों को रोके, जिससे लोगों में दहशत कम हो। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चरण के मतदान के लिए संघ प्रमुख सुबह ही अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने वोट का उपयोग जरूर करें और अपने प्रत्याशियों को वोट दें। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मतदान किया। इससे पहले वह मंदिर से पूजा करके निकले, उनके साथ पार्टी के अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में निकलकर वोटिंग करें, अपने मतदान का प्रयोग करें कहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में अपना वोट डाला और इसी के साथ उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील भी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और अपना वोट डालें। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें, यह भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है। आपका वोट राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होता है। आंध्र प्रदेश से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगन रेड्डी मतदान करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग बिना डर के वोट दें, विकास के लिए अपने मत का प्रयोग करें, युवाओं को रोजगार और भयमुक्त समाज के लिए अपने मत का प्रयोग करें। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने सभी वोटर्स से वोट डालने की अपील की। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की और कश्मीर के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जान ले कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। गाजियाबाद से प्रत्याशी जनरल वीके सिंह ने वोट देने से पहले दूधेश्वर मंदिर में जाकर पूजा पाठ की। जनरल वीके सिंह ने लोगों से वोट सोच समझ कर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर वोटों को बांटा ना जाए, साथ ही गठबंधन पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार उनकी टक्कर रालोद के कट्टर नेता अजीत सिंह से है। ऐसे में यहां का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने सुजड़ू के पोलिंग बूथ में बोगस वोटिंग को लेकर आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने संजीव बालियान की शिकायत को खारिज कर दिया। बालियान ने मांग की थी कि बुरके में आई महिलाओं के बिना चेहरा देके मतदान न करवाया जाए। सहारनपुर से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनता वोट करेगी कि हमारे जिले में कितना विकास हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए क्या किया है। समाज को विभाजित करने का अन्य दलों का षड्यंत्र है, सभी वर्ग ने भाजपा को वोट किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दम भरा और कहा कि गठबंधन में शक्ति नहीं है। यूपी के बागपत से मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है। वहीं गठबंधन से जयंत चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्यपाल सिंह ने वोट डालने से पहले हवन किया और पूजा अर्चना की। इसी के साथ उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन मजबूरी तो दे सकता है लेकिन मजबूती नहीं। बागपत में मतदान केंद्र में मतदाताओं का स्वागत बैंड की धुन के साथ किया गया।
मतदान केंद्रों में मतदाताओं के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। यहां एनसीसी के छात्रों ने मतदाताओं को फूल देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद इनकी पर्ची देखकर उनके मतदान के लिए बूथ भी बताया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर लोकसभा सीट से पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता पर एक मतदान केंद्र पर ईवीएम को तोड़ देने का आरोप लगा। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जनसेना कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दिन कई जगहों पर तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों दलों के एक एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शामली में उपद्रवियों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। इस कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने हवा में गोलियां चलाई। बिजनौर लोकसभा सीट के बूथ संख्या 16 पर ईवीएम मशीन खराब होने की बात कहते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। वोटर पुलिस प्रशासन से ही जा भिड़े, जिसे लेकर प्रशासन को मजबूरन ईवीएम मशीन को बदलना पड़ा। प्रशासन के आला अधिकारी ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी से इनकार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के दो गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। पहला गांव है खुर्जा, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां के लोग सड़क नहीं बनने से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी असम के मंगलदाई में कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमारे जवानों की शहादत पर शक करती है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर नामदारों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पारंपरिक सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। सोनिया गांधी ने अपने परिवार के लोगों के साथ यहां कांग्रेस कार्यालय में पूजा और हवन किया। बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूजा के समय वहां मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से है। ईरानी ने गौरीगंज में जिलाधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन भरा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दे दिया। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि क्लिपिंग में दिखाई गई ग्रीन लाइट AICC फोटोग्राफर के मोबाइल फोन की है, जो अमेठी में कलेक्ट्रेट के पास राहुल गांधी की इंप्रूवमेंट प्रेस बातचीत का वीडियोग्राफिंग कर रहा था। भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जुगलर ने गुरुवार को उस रिपोर्ट को खारिज किया, जिसमें कहा गया है कि कतर में रफाल लड़ाकू विमानों पर पाकिस्तानी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।